अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान मुयसर आए कि हमसाया मुल्क इंडिया भी उन चेहरों पर रश करता नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक खूबसूरत चेहरे पर बात करेंगे, तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, इन्हीं खूबसूरत चेहरों में से एक चेहरा अदाकार नदीम बेग का है, जो अपनी जिंदगी की 82 बहारें देख चुके हैं। जी हाँ, आज का दिन उनकी सालगिरह का दिन है। नदीम बेग 19 जुलाई 1941 को एक इंडियन शहर विजयवाड़ा में पैदा हुए। उनका असल नाम मिर्जा नज़ीर बेग मुगल है। नदीम बेग एक ऐसे पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने प्लाजा स्क्वायर फिल्मों, टेलीविजन फिल्मों, टीवी सीरियल्स और टीवी ड्रामों में अदाकारी की है। उन्होंने ARY डिजिटल टीवी चैनल पर एक क्वाइट शो की एंकरिंग भी की है और पाकिस्तान में 200 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए हैं। नाजरीन, नदीम बेग ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज बतौर प्लेबैक सिंगर किया। प्लेबैक गुलकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म किसे कहूँ 1965 में रिलीज हुई, जिसकी हिदायतकारी मरूफ हिदायतकार सादे खान ने की है, जिसमें लेजेंड गुलकार फिरदौसी रहमान के साथ उन्होंने गाना गाया था। नाजरीन, नदीम बेग को शुरू से गाना गाने का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में वो अपने दोस्तों में भी गाने की महफिल जमाए रखते और कॉलेज में होने वाले फंक्शन में भी गाने के लिए हिस्सा लेते थे और इस तरह अपने कॉलेज में एक सिंगर के तौर पर भी जाने जाते थे। नाजरीन, नदीम को एक म्यूजिकल किट प्रेजेंटेशन में उस वक्त की मशहूर गुलकारा फिरदौसी बेगम ने देखा। वो उनकी गुलकारी की सलाहियतों से मुतासिर हुई और उन्हें ढाका की फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग करने की तरगीब दी। नदीम बेग एक सकाफती सफर के लिए ढाका गए, जिसका अहतमाम इस्लामिया क्लब कराची ने किया था, जहाँ पर कैप्टन एहतशाम उस वक्त अपनी फिल्म चकोरी बना रहे थे और इसी फिल्म में नदीम बेग को गाना गाने का मौका मिला। हुआ कुछ यूं कि कैप्टन एहतशाम नदीम को पहले से जानते थे और उनकी आवाज़ भी सुन चुके थे, तो एक दिन नदीम भी स्टूडियो में गाना सुनने के लिए गए, जहां फिल्म चकोरी का गाना रिकॉर्ड होना था। जिस प्लेबैक सिंगर को कैप्टन एहतशाम ने बुलाया था, जब उसने गाना गाया तो उसकी आवाज़ कैप्टन एहतशाम को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने नदीम को वो गाना गाने के लिए कहा। नाजरीन, नदीम बेग इस अचानक ऑफर पर घबरा गए कि वो तो यहाँ गाना सुनने आए हैं, गाने नहीं, और ना उनकी कोई तैयारी है। लेकिन कैप्टन एहतशाम से काफी बहसों वैसे के बाद नदीम राजी हो गए और यहीं से उनके अरूज का दौर भी शुरू हुआ। नाजरीन, कैप्टन कम बजट की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना रहे थे, क्योंकि उनकी पिछली रंगीन फिल्म सागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कास्टिंग में उन्होंने शबाना को हीरोइन के फिल्म अदाकार अजीम को हीरो के तौर पर मुंतखब किया, लेकिन अजीम ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें फिल्म में काम करने के लिए बहुत कम रकम की पेशकश की गई। चनांचे एहतशाम ने नदीम बेग को हीरे के तौर पर अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया, जो कि नदीम के लिए भी हैरान कुन था। उस वक्त नदीम की नौकरी हो चुकी थी और नदीम डर रहे थे कि अगर वो फिल्मों में नाकाम हो गए तो नौकरी भी हाथ से जाएगी। लिहाजा नदीम ने उनसे कहा कि वो उनकी कंपनी के MD से बात करें कि अगर वो फिल्मों में नाकाम हुए तो वो दोबारा उनको नौकरी पर रख लेंगे। और जब MD से बात की गई तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी। जब नदीम की ये पहली फिल्म रिलीज हुई और नदीम ये फिल्म देखने गए तो अपनी ही अदाकारी को देखकर बहुत शर्मिंदा हुए कि उनको अपनी अदाकारी भी अच्छी ना लगी और ये यकीन हो गया कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। नदीम सोचने लगे कि उन्होंने फिल्मों में आकर बहुत बड़ी गलती की है और अब इनके अजीज़ वकारे भी उनका मजाक उड़ाएंगे, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो फिल्म जब सिनेमा पर लगी तो हिट हो गई और नदीम का कैरियर वहीं से शुरू हुआ। नाजरीन, नदीम का फिल्मी कैरियर 40 साल से ज्यादा पर मुहित है। नदीम को फिल्म चकोरी के लिए बेहतरीन अदाकारी के जुमरे में मुमताज निकार अवार्ड भी दिया गया। छोटे साहिब और संग दिल जैसी लगातार हिट फिल्मों के साथ वो पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी अदाकारों में से एक बन गए। नदीम की तिजारती लिहाज से कामयाब फिल्मों में नादान, अनाड़ी, तलाश, आईना, हम दोनों, लाजवाब, कुर्बानी, संग दिल और दहलीज शामिल है। 1980 में एक भारतीय फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में नुमाइश के लिए खसूसी इजाजत दी गई, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज बन गई। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक ने इस चैलेंज को कबूल किया और फिल्म हम दोनों बनाई, जिसमें नदीम को डबल रोल में पेश किया गया। इस फिल्म ने पाकिस्तानी सिनेमाघरों में अच्छा बिजनेस किया और इंडियन फिल्म नूरजहां को पीछे छोड़ दिया। नदीम के साथ शबनम की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा नदीम ने नेशो बेगम और बाबरा शरीफ के साथ भी बहुत काम किया। नाजरीन, नदीम ने अदाकारी के अलावा फिल्मों के लिए भी कई गाने गाए हैं। दरहकीकत उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक मगरबी पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाना गाकर किया था, लेकिन ये गाना डायरेक्टर की जानब से मनसूख कर दिया गया और बाद में उसे मेहदी हसन ने गाया। इनका पहला गाना फिरदौसी बेगम के साथ उनकी पहली फिल्म चकोरी में कहाँ हो तुमको ढूंढ रहे हैं का जोड़ा था, लेकिन उस गाने को डायरेक्टर ने मनसूख कर दिया और बाद में उसे मेहदी हसन ने ही गाया था। नाजरीन, नदीम ने 28 सितंबर 1969 को फरजाना बेग से शादी की, जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर
एहतशाम की इकलौती बेटी थी, जो अपनी पहली फिल्म चकोरी के डायरेक्टर भी थे और इस तरह नदीम के प्रोड्यूसर उनके ससुर बन गए। नदीम के दो बेटे फैसल और फरहान हैं। नदीम अब अदाकारी के साथ साथ हिदायतकार भी हैं और कई फिल्मों को डायरेक्ट भी कर चुके हैं। नदीम का एक बेटा फरहान भी एक फिल्म डायरेक्टर और दूसरा बेटा फैसल एक म्यूजिकल प्रोड्यूसर है। नाज़रीन, नदीम पाकिस्तान में वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 4 ख्वातीन हिदायतकारों के साथ काम किया, जो उनके साथी अदाकार भी रह चुकी हैं। पहली 3 ख्वातीन फिल्मों के हिदायतकारों में शमीमा राज, संगीता और समीना पीरजादा ने अपने कैरियर के दौरान मुतअद्दिद मौके पर नदीम की अहम ख्वातीन का किरदार अदा किया। पराई आग और सुहाग में शमीमा राज, संगीता ने अनगिनत फिल्मों में जिनमें अनाड़े और मुट्ठी भर चावल और समीना पीरजादा बाजारे हुसन और बुलंदी में शामिल हैं। फहरिस्त के आखिर में फिल्म की हिदायतकार रीमा खान ने नदीम के साथ 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नदीम बेग को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दें। बहुत शुक्रिया।